तीर्थ का विभाग। तेज चाहिए तो अग्नि की आराधना करें, अन्नाद्य काम स्वदिव्यम। हमारे किसान भाइयों को अन्न चाहिए, जिनको अन्न चाहिए वो देव माता अग्नि की उपासना करें, उनको खूब अन्न उत्पन्न होगा। आयुष काम अश्विन, जिनको आयु चाहिए अश्विनी कुमार से आराधना करें। अच्छा, जिसको सौंदर्य चाहिए, सुंदरता चाहिए, वो गंधर्वों की आराधना करें। अच्छा, जिनको संतान चाहिए, विद्या चाहिए, वो भोलेनाथ की आराधना करें। बोले महाराज जी, हमारे को शादी नहीं हुई, संतान कहां से हो? तो जिसकी शादी नहीं हुई है, विवाह करवाना चाहते हैं, वो स्त्री कामो सर उर्वशी, स्त्री की कामना है वो उर्वशी की आराधना करें। और जिनको हम ये नहीं कहते कि हमारे राम जी की आराधना करो, अरे इष्ट कोई भी हो, इष्ट दिव्य होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। इष्ट बिना भ्रष्ट है जन्म जन्म, इष्ट तो होना ही चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमारे राम जी की आराधना कृष्ण कन्हैया की करो, भोलेनाथ की करो, दुर्गा मैया की करो, गणेश जी की, हनुमान जी, किसी की भी करो, पर अपने इष्ट के नाम की सबका आदर सम्मान करो। ये नहीं हम तो भोलेनाथ की साधना करते हैं, हमको राम जी से भोलेनाथ यार कुछ नहीं। ऐसा ऐसा भाव जिसके मन में होता है वो घोर नरक का आगामी होता है, महापापी होता, महापापी होता है। अपने इष्ट के प्रति नाते सबको वंदन करें। हमारे राम जी इष्ट हैं, पर हमारे कृष्ण कन्हैया भोलेनाथ हमें पहले वंदनीय, हमारे लिए उनसे भी परम प्रिय है, पूजनीय है। एक बहुरानी बोली अपने सासू मां से, बोली सासू जी एक बात बताओ, हम आपके पड़ोस में रहते थे तो पहले भी आपके सामने रहते थे, पर पहले तो आप हमारा इतना सम्मान नहीं करती थी, आजकल आप हमारा बड़ा सम्मान करती हो। क्यों? सासू जी ने कहा, मेरे बेटे के नाते अब तुम हमारी बहू बन गई हो, घर का सदस्य बन गई हो, इसलिए हम तुम्हारी खूब इज्जत करती हैं, सम्मान करते हैं। ससुराल में जवाई का स्वागत होता है किसके नाते? बेटी के नाते। हमारे पुत्री का पति है इसलिए उसका सम्मान करते हैं। तो अपने इष्ट के नाते सबका सम्मान करना चाहिए। देखो श्री वर्तमान जी ने एक बड़ी सुंदर कथा दी, श्री पूज्याचार्य वर्तमाली जी कहते हैं, रामदेव आचार्य जी महाराज एक बड़ी सुंदर कथा है, सूक्ष्म निवेदन कर देता हूँ। एक कलयुग के भगत जी थे, गोपाल जी की खूब सेवा करते थे, गरीब किसान थे, कच्ची झोंपड़ी थी, गोपाल जी की मूर्ति की बरसों तक सेवा की, 20-30 साल तक खूब सेवा की। रोज सवेरे उठकर मांगते थे, गोपाल जी हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, पर गोपाल जी ने कभी प्रकट होकर कुछ नहीं दिया। तो एक कलयुगी भगत से टकरा गए, अरे बोले इसके चक्कर में पड़े हो भले आदमी, कलव चंडी विनायक हो, दुर्गा मैया की सेवा करो, तत्काल फल मिलता है। देखो बेचारा चक्कर में आ गया सीधा साधा, और गोपाल जी की मूर्ति को उठाकर ऊपर धर दिया और दुर्गा मैया की मूर्ति लाकर प्रतिष्ठा करवा के सेवा करने लगा। कई दिन बीत गए सेवा करते करते, एक दिन गूगल की धूप जला रहा था, अंगारे पर धूप जला रहा था, इतना धुआं उठा, धुआं उठा तो भगत जी को याद आई, अरे राम राम, ऊपर तो हमारे गोपाल जी, हमारे गोपाल जी को तकलीफ होगी। जैसे ही मन में ये भाव आए कि ऊपर तो हमारे गोपाल जी हैं, गोपाल जी सामने खड़े हो गए, वरम ब्रूही वरम ब्रूही, मांगो वर मांगो वर मांगो। भगत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले जब वर मांगने की बात आई तब तो तुम्हारी नानी मर गई थी, अरे रोज वरदान मांगते थे कभी प्रकट होकर दिए नहीं, और आज हम चंडिका मैया की सेवा करने लगे तो कह रहे वर मांगो, ऐसा क्यों? भगवान मुस्कुराकर बोले, गोपाल जी बोले, देखो भगत जी, पहले तुम हमें केवल पत्थर की मूर्ति समझते थे, पर आज तुम्हारे मन में भाव आया कि हम हैं, तो हम हैं सामने आ गए। भक्त वत्सल भगवान की, तो अतः सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धी प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम्।